वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम इमिटेशन ज्वेलरी में ये टूसी बनाएंगे। गोल्डन मनी की टूसी है। मेरी व्यूवर्स ने मुझे ये रिक्वेस्ट की थी कि उनको गोल्डन मनी में टूसी चाहिए, देखना है, तो हम शुरू करते हैं। हमने पहले बनाया था वो मोती में बनाया था, अब हम गोल्डन मनी में करते हैं। इसके लिए हमें ये गोल्डन मनी की ज़रूरत पड़ेगी। ये बड़े वाला मनी है, ये उससे छोटे हैं और ये मनी है, ठीक है। ये है जरदोसी है, तो हमें जरदोसी लगेगी। फिर हमें सुई धागा लगेगा, हुक कड़ी लगेगी, और मैं रिकमेंड करूँगी ये आप गोल्डन धागा लेंगे येलो कलर का ये टूसी बनाने के लिए। तो हम शुरू करते हैं। उसके लिए हमें चार नीडल की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम शुरू करते हैं। इस तरह हम तीन मनी डालेंगे पहले, तीन मणि डालें, फिर हमें एक मणि डालना है। जो हमने तीन मणि डाले थे उसके अपोजिट से ये वाला मणि, जो एक जाल डाला है हमने, हम अपोजिट से डालेंगे। इस तरह ये स्क्वायर बन गया। ठीक उसी तरह हम ये भी करेंगे, इस तरफ करेंगे। यहाँ पे हम फिर से तीन मनी डालेंगे, और बगल वाला जो सुई है उसमें से हम एक मनी डालेंगे, और ये जो तीन मनी डाले थे उसमें से जो ऊपर वाला है एक मनी, उसको अपोजिट से हम ये डालेंगे। फिर हमें स्क्वायर कंप्लीट होने के लिए एक एक मनी दोनों तरफ से डालना है, और जो एक मनी डाला है उसको ऑपोजिट से बगल वाला सुई डालेंगे। तो इस तरह हमारा ये एक लाइन कंप्लीट होता है। इस तरह ये कंप्लीट हो गया। तो आप इसे कहीं से भी देखेंगे तो आपको स्क्वायर ही दिखेगा, ठीक है। तो अब दूसरी लाइन बनाने के लिए हमें दो लेने हैं मनी, तीन नहीं लेने, दो लेने हैं। फिर एक मनी लेना है हमें। फिर हमने जो दो मनी डाले थे उसके ऑपोजिट से ये एक वाले मनी का सुई इस तरफ डालेंगे, उसके सामने भी वैसे ही करेंगे। हम दो मनी डालेंगे, फिर एक मनी डालेंगे, और ये जो दो मनी डाले थे उसको ऊपर वाला जो मनी है उसको अपोजिट से हम डालेंगे। और ये जो साइड में हम एक एक मनी डालेंगे, और ये अपोजिट से डालेंगे, सुई को डालेंगे। इसमें भी हम ऑपोजिट वाले जो हैं ऐसे ही करेंगे। हम एक मनी डालेंगे और उसको ऑपोजिट से हम इस तरह डालेंगे। तो हमारा ये
सेकेंड लाइन कंप्लीट होता है। देखिए स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे। अब हम कौन से भी एंगल से इसे देखेंगे तो आपको स्क्वायर दिखेगा। अब हमें आप इसी तरह इसे बढ़ाएंगे। अब हमें दो मणि डालने हैं और फिर एक मणि डालना है। इस तरह आप ये आपको जितना लेंथ चाहिए आप बढ़ाइए और यहाँ पे आपको ये चारों धागे लेकर इस तरह मैं बताती हूँ। ये सिर्फ आप मैंने जैसे बताया है उस तरह बढ़ाइए और यहाँ पे हमने एक ये जो मणि लिया है हमने उसमें से हम चारों सुई निकालेंगे। इस तरह हम चारों सुई निकालेंगे। इस तरह हो जाएगा। जब आप ये पढ़ाएंगे तो ये इस तरह बढ़ेगा अपना दिखेगा। फिर आपको ये मणि डालना है बड़ा वाला। फिर से हमें चारों सुई बड़े वाली सुई से डालना है और ये फिर ये छोटा वाला मणि डालना है। चारों सुई निकालना है हमें उसमें से और फिर हमें ये साइड का चेन बनाना है उसी तरह जैसे मैंने यहाँ पे बताया है आपको उसी तरह इस तरफ भी करना है। सो व्यूअर्स सबको थैंक्स कहूँगी जिन्होंने सब्सक्राइब किया। अगर आपने नहीं किया अब तक सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, ये फ्री ऑफ चार्ज है, उसे आप क्लिक कीजिए और मेरे वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन लीजिए। देखिए यहाँ पे अब हमने यहाँ पे इस तरफ किया है। अब हम यहाँ पे शुरू करने के लिए फिर से जैसे हमने यहाँ पे किया था तीन मणि डाले थे पहले। फिर हमने पहले देखिए ये सुई को ठीक से करके लेना है। ये जब हम सुई मणि से निकालते हैं तो ये एक दूसरे के अंदर घुस जाता है धागे में, फिर आपको करने को नहीं होगा। तो इस तरह ही आप बनाते जाइए। इस तरह ये आपको जितना लंबा चाहिए आप बढ़ा सकते हैं। मेरे बाकी वीडियो में दिखाया है मैंने ये एंड कैसा करना है, उसको एंड भी इसी तरह करना है। जब आप पूरा करेंगे तो यहाँ पे गोल्डन मनी डालना है, फिर ये जरदोसी डालना है। अगर आप हुक कड़ी लेते हैं तो इस तरह हमने कड़ी डाला है, अब हुक डालना है और उसके अंदर से धागा निकालकर उसे गांठ लगाना है। मगर ग्लू लगाना नहीं भूलना क्योंकि गांठ निकल जाने की पॉसिबिलिटी है। फिर अगर आपने ये गोंडा लिया है तो आप गोंडे के अंदर से ये जरदोसी निकाल कर इसको गांठ मार सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमने तीन तीन मणि लेकर आगे करना है। पहले शुरुआत में हमें तीन मणि लेना पड़ेगा, फिर हमें दो मणि लेने हैं। सेकेंड लाइन में आपको दो मणि लेने पड़ेंगे। अब जो शुरुआत है उसको हम तीन मणि लेते हैं। इस तरह ये हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हुआ था उसी तरह यहाँ पे भी हो गया है और यहाँ पे अब हमने आगे दो मणि लिए हैं। अब सेकेंड रो के लिए आपको दो मणि लेने पड़ेंगे मगर फर्स्ट शो के लिए हमें तीन मणि लेने हैं। तो व्यूअर्स आपको अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
कि ये इस तरह आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे हमने एक एक मणि डालना है, तो आपका ये ठूसी इस तरह तैयार हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस टाइम। यानी इसमें सब तरह बताया है, स्टार्टिंग भी बनाया बताया है आपको, एंड भी कैसे करते दिखाया है बताया है, और यहाँ पे ये मनी डालने के लिए भी आपको बताया। थैंक यू।